उदयपुर में दिन दहाड़े दुकान में घुसकर की गई हत्या के विरोध में बजरंग दल परासिया द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राजस्थान की गहलोत सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने, कन्हैयालाल हत्याकांड के हत्यारों को मृत्युदंड दिए जाने, कट्टरवादी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को संपूर्ण देश में बैन किए जाने एवं मृतक के परिजनों को 5 करोड़ को मुआवजा राशि देने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के बाद इस्लामिक संगठन का पुतला भी दहन किया गया। मौके पर शासन प्रशासन मौजूद रहा। बजरंग दल व्यापारी मंडल अधिवक्ता संघ व सकल हिंदू समाज के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को परासिया से एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की जो गहलोत सरकार है वहां जिहादियों का इतना मन और इतना उत्साह प्रबल है कि उन्हें हमारे हिंदू समाज के कन्हैया जी को, कन्हैया लाल जी की निर्मम हत्या की है। उन जिहादियों को फांसी ही मिले ऐसा हम और साहब सरकार से निवेदन करते हैं कि इतने जघन्य अपराध की यही उनकी सजा है, जिससे देश और समाज में एक अच्छा संदेश जाए, आने वाले समय पे कोई ऐसा जिहादी ऐसा जघन्य अपराध न कर सके और ऐसे निरीह और समर्पित व्यक्ति को जो उनका कार्य करने वाला था, उनका कपड़े का नाप लेने वाला था, उसके बाद भी उसको ऐसा अमानवीय तरीके से उसकी हत्या की है और ऐसे हत्यारों को फांसी मिलना ही चाहिए, ऐसे हम और आप सब निवेदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति जी से। हम आग्रह ही, हमें विश्वास ही नहीं, हम उनसे आग्रह। दोस्तों, न्यूज टेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।